पानीपत जिले के बिजली विभाग अब इतना लापरवाह हो चुका है कि अब ये विभाग रोजाना कर्मचारियों को मौत की नींद सुला रहा है। ये ताजा मामला समालखा खंड के टिटाना व डिडवाड़ी गांव के पास का है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खंबे पर चढ़कर काम कर रहे दो कच्चे कर्मचारी 11,000 वोल्टेज की चपेट में आ गए, जिसे 22 वर्षीय सागर की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरा झुलझ रहा था। हादसे में घायल मृतक के भाई ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि परमिट लेकर काम किया जा रहा था, लेकिन पावर हाउस से बिजली चालू कर दी गई और यह हादसा हो गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी यहां देखने तक नहीं आया और उन्होंने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया। देखिए एक रिपोर्ट। गांव में डिडवाड़ी के पास काम कर रहे थे, वहां पे हम दो पोलों पे से काम करके नीचे उतर गए। तीसरे पोल पर हम काम करने लगे, ज्वाइंट भर रहे थे तारों के, और तभी एकदम पूरी लाइन में ही करंट आया पावर हाउस से प्रॉपर। तो तीन बंदे और थे उधर से, हर दो में हम जोड़ भर रहे थे। वहाँ पर करंट लगने के बाद हम दोनों पकड़ लिए, ये मेरा इधर से ये सारा फूंक दिया इधर से सारा, और हाथ जला दिए मेरे सारे गति बिल्कुल, और मेरा भाई गति वहीं पर मौके पर ख़त्म कर दिया। इसका जो पावर हाउस में ऑपरेटर है राजवीर और लाइनमैन देवी लाइनमैन है उधर, उनके कहने पर हमने काम किया था। देवी लाइनमैन और कुलदीप ठेकेदार के हम अंडर काम करते हैं, और देवी लाइनमैन ही हमारे साथ थे उस टाइम। उसके बाद वो चले गए थे पोल खड़े करने के बाद, फिर हमने काम बारिश रुकने के बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। फिर उधर ही मौके पे हो गई वो डेथ हो गई उस भाई की, मैं उसको उठा के लेके आया उधर से पावर हाउस से। बिजली का काम कर रहे थे आप? हाँ, बिजली परमिट नहीं ले रखा था आपने? परमिट हो रहा था, जम्पर हो रहे थे, कट रहे थे जी 10, वो पहले ही ओल्ड पड़ी थी लाइन, फिर उसने चालू कर दी जी लाइन पूरी की पूरी। सारी बता, आप कैसे बचे? हाँ, मैं तो जी दूसरे बंदे ने बचाया, धक्का मारा मेरे को इधर से ही सारा फूंक दिया जी मेरा। लापरवाही किसकी लग रही है आपको? लापरवाही जी पूरे बिजली विभाग की है जी, उन्होंने ही पीछे से ही लाइन चालू करी है, और 4 बजे का समय था जी, हम काम कर रहे थे, वहाँ घंट लग गया जी। बड़े भाई थे वो आपके? मेरे मस्ती का लड़का छोटा भाई था मेरा जी। क्या नाम था उनका? उनका सागर नाम था जी। कहाँ के रहने वाले? वो सोनोली रोड कैनरा बैंक के पास रहते थे जी। आपका क्या नाम? मेरा रवि नाम है जी। शादीशुदा थे? ना जी, वो शादीशुदा नहीं थे। उम्र कितनी थी? उम्र 22 साल थी जी। कब से काम कर रहे हो आप? हम तो जी पाँच में तो 5 साल से हो गया जी मेरा तो, और उसका हो गया एक साल सारा हो गया उसका काम करते हुए। इसमें जी ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे लाइन का, और कल 4 बजे इनका ये हादसा होया। हम भी खेत में थे काम करते, खेत में तो फोन गया भी ऐसे ऐसे करंट लग गया, तो यहाँ आए कल से 4 बजे से हम यहाँ खड़े हैं। अब तक कोई आया नहीं, ना कोई कार्रवाई हुई अब तक, ना हमारे को अब तक बॉडी मिली। सारे रिश्तेदार भी घर बैठे हैं, सारे ये भी यार दोस्त जो भी आ रहे हैं हमारे पड़ोस के सभी आ रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। बिजली विभाग द्वारा कोई सहयोग किया था? नहीं जी, जानकारी है इस बारे में? नहीं जी, कोई नहीं आया नहीं अभी जी। ठेकेदार भी नहीं आया अभी उसको, उनको बताइए। अब तो कोई ठेकेदार भी नहीं आया जी। हाँ जी, क्या नाम है? सतवीर नाम है जी। देखिए, कुछ लोग काम कर रहे थे तो करंट वहाँ पर लगा है, एक की डेथ हो गई है और एक को एक इंजर्ड है, तो घर वालों ने कंप्लेंट दी थी, उसके आधार पर FIR दर्ज कर ली है। कुछ ठेकेदार वगैरह और जो बिजली कर्मचारी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर रहे हैं। सर, JEE के खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ, JEE और ठेकेदार और लाइन में। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।